गाइस पोकेमोन वर्ल्ड यार बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है एंड उसमें से एक मिस्ट्री है जीएस बॉल की। मुझे पता है कि जीएस बॉल में सेल्वी है, ये पोकेमोन कम्युनिटी वालों ने बता दिया है। बट यार क्या जीएस बॉल में सिर्फ सेल्वी हो सकती है और कई पोकेमोन ने, तो हम इस वीडियो में उसे आप लोगों को बताने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीएस बॉल किसने बना। तो फ्रेंड्स हमें एनिमे में बताया नहीं गया है कि जीएस बॉल किसने बनाया, बट यार मांगा में हमें बताया गया है कि जीएस बॉल बना है एक मास्कमैन ने। और गाइस जीएस बॉल बना हुआ है लुगिया एंड होहो के बंको से। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो मास्कमैन है उसने यार लुगिया और होहो के पंख से क्यों जीएस बॉल बनाया, बिकॉज यार इन दोनों पोकेमॉन्स पर टाइम ट्रैवल का कुछ असर नहीं होता। एंड गाइस सेल्वी एक मिथिकल पोकेमोन है जो हीलिंग और टाइम ट्रेवल की पावर अपने पास रखती है, इसीलिए यार सेल्वी को पकड़ने के लिए जीएस बॉल बनाया गया था। सो गाइस यहाँ से चालू होती है मेरी पर्सनल थ्योरी। सो फ्रेंड्स आपको भी पता होगा सेल्वी के पास हीलिंग और टाइम ट्रेवल की पावर होने के कारण यार उसे हम सिर्फ जीएस बॉल से ही कैच कर सकते हैं, बिकॉज यार वो होहो और लुगिया के पंखों से बना हुआ है। सो फ्रेंड्स इसका मतलब तो ये भी होता है कि अगर हम मास्टर बॉल से सेल्वी को कैच करेंगे तो यार सेल्वी मास्टर बॉल में कैच नहीं होंगी, बिकॉज यार उसके पास टाइम ट्रैवल की पावर है। एंड गाइस पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में सेल्वी एक ऐसा पोकेमोन नहीं है जो टाइम ट्रैवल की पावर अपने पास रखता हो, बिकॉज यार आरसीएस, गिराटिना, डीएलगा एंड पालकिया भी टाइम ट्रैवल और हीलिंग की पावर अपने पास रखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर यार ये कहना गलत नहीं होगा अगर गिराटिना, आरसीएस एंड डीएलगा को हम मास्टर बॉल से कैच करने जाएंगे तो यार वो मास्टर बॉल में कैच नहीं होंगे, और उसी की जगह अगर हम जीएस बॉल का यूज करेंगे तो वो शायद से कैच हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर यार मास्टर बॉल की जो थ्योरी होती है कि मास्टर बॉल सभी पोकेमोन्स को बिना लड़े कैच कर सकता है, वो थ्योरी यार यहाँ पर गलत साबित होती है। सो गाइस यहाँ पर एक थ्योरी और बनती है कि जीएस बॉल मेड अप फॉर ओनली टाइम ट्रेवल्स पोकेमोन, मतलब यार जीएस बॉल सिर्फ उन्हीं पोकेमोन्स के लिए बना है जो टाइम ट्रेवल की एबिलिटी जानते हो या फिर उनके पास कोई पावर हो जो टाइम ट्रेवल कर सकती है। सो फ्रेंड्स जीएस बॉल सिर्फ उन्हीं पोकेमोन्स के लिए है जो टाइम ट्रेवल जानते हो। सो गाइस इन्हीं सब थेरीज की वजह से यार हम कह सकते हैं कि जीएस बॉल में सिर्फ सेल्वी ही नहीं बल्कि गिराटिना, डीएलगा, पालकिया एंड आरसीएस भी हो सकते हैं। और गाइस अगर आप आरसीएस, डीएलगा एंड पालकिया को मास्टर बॉल में कैच करने की कोशिश करेंगे तो यार वो कैच नहीं होंगे, बिकॉज यार उनके पास भी टाइम ट्रैवल की एबिलिटीज है। सो फ्रेंड्स यही थी यार मेरी आज की वीडियो। मैंने यार आप लोग को जो थंबनेल में दिखाया था कि मास्टर बॉल कुछ काम का नहीं, सो यार वो इस सिचुएशन में यार मास्टर बॉल कुछ काम का नहीं रह जाता, बिकॉज यार जीएस बॉल मास्टर बॉल से ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रहेगा इन सिचुएशन में। सो गाइस जो मैंने थंबनेल में आप लोग को बताया था कि मास्टर बॉल कुछ काम का नहीं, सेल्वी के अलावा जीएस बॉल में और तीन पोकेमॉन्स हो सकते हैं, तो यार वो सब यार मैंने थीरीज के थ्रू आप लोग को यार प्रूफ करके दिखा दिया है। सो फ्रेंड्स आप बताना कि आपको कौन सी थीरी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में। एंड गाइस अगर आपको आपकी थीरी भी बतानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जल्दी से जल्दी आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलना। एंड गाइस आपको यार मेरे चैनल पर ऐसे ही थ्योरीज और मांगास की वीडियो मिलती रहती है, सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ही देना। तब तक के लिए आई टिल देन पोकेमोन डीवीजी इज साइन आउट। एंड गाइस इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में जीएस बॉल को नहीं बताया, मतलब जीएस बॉल किसके पास था, फिर प्रोफेसर ओक के पास कैसे गया और ऐश के पास कैसे गया, बिकॉज यार बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बना रखी है। एंड गाइस आई होप कि आपको भी ये पता होगा, अगर आपको नहीं पता आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं सेकंड पार्ट यार इसका ज़रूर निकालूंगा एंड उसमें मैं डिटेल बता दूंगा।